तरह की एक स्ट्रेटजी है बहुत प्यारी, बेसिक्स को तैयार करा दो। संस्था में एनसीईआरटी कोर्स चल रहा है और सौभाग्य से भारत में एनसीईआरटी के कोर्स मैंने शुरू किया, अब तो सभी पढ़ा रहे हैं। पहले सब कहते थे नहीं एनसीईआरटी क्यों पढ़ना, 90% लड़का ह्यूमैनिटीज को 10th के बाद छोड़ देता है, तो पता ही नहीं होता हिस्ट्री क्यों पढ़ना, ज्योग्राफी क्यों पढ़ना, इकोनॉमी क्यों पढ़ना। और जब वो सिविल की तैयारी में आता है उसका सामना इन्हीं सारे सब्जेक्टों से हो जाता है, अब उसको पता ही नहीं इकोनॉमी क्यों पढ़ना। अब इकोनॉमी अगर आप नहीं समझते हैं, GDP अगर आप नहीं समझते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा ये 1950 का भारत वो भारत आज गेहूं का एक्सपोर्टर है, ये डेवलपमेंट कैसे हुआ और आज 2023 में हम कहां हैं। जिन फैक्टरों से हमारा डेवलपमेंट हुआ है हम उन फैक्टरों को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपनी स्थिति को और मजबूत करेंगे और 2047 में भारत सुपर पावर महाशक्ति बनने के रास्ते पर उसका स्थान और मजबूत होगा, इसलिए इकोनॉमी पढ़नी। अब जिसको GDP नहीं पता वो इस ग्राफ को कैसे बना सकता, अब क्वेश्चन आएगा इस ग्राफ से, लेकिन उसके लिए जानना पड़ेगा GDP। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि IAS की परीक्षा में जो तैयारी शब्द है उसका मतलब है इस समझ का विकास, कैसे पढ़ के, ये जो समझना है यहीं से क्वेश्चन आएगा, पढ़ने से नहीं आएगा। इकरा ने पहला काम यह किया कि साहब ठीक है आप 10th के बाद ह्यूमैनिटीज को छोड़ चुके थे तो आपका बेसिक्स तैयार कराया जाए, तो उसने एनसीईआरटी का कोर्स लिया। मिनिमम फीस रखी 6 सब्जेक्ट का 6,000 रुपए,